नमस्कार, मैं मिथिलेश यादवेंद्र और आप देख रहे हैं अपना मुंगेर। और अपना मुंगेर आज वार्ड नंबर 14 में हवेली खड़गपुर में नगर परिषद का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें हम जनता की राय ले रहे हैं। और हमारे बीच कुछ युवा हैं, युवा से पूछते हैं कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है। गर्मी तो बहुत कर रहा है, बहुत ज़्यादा है, चुनावी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। प्रत्याशी तो हैं, चेयरमैन में 17 प्रत्याशी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जनता लगा हुआ है। अच्छा, कौन कौन आ रहे मिलने के लिए? आने मिलने के लिए तो लगभग सब आ रहा है, लेकिन जो चांस है निकलने का चेयरमैन में वो है संजीव राज उर्फ संजीव खैरी जी का, और उप चेयरमैन में शुभम कुमार उर्फ लल्ला शाह जी। 21 नंबर में विपिन खिलाड़ी जो है। अच्छा, वो बहुत अच्छा अंतर से जीत रहे हैं वो। ये जनता की मूड है। अच्छा, वो जहाँ भी मतलब जैसे पूर्व में थे 12 नंबर वार्ड में पार्षद थे तो बहुत ज़्यादा काम किए, जहाँ रोड नाला नहीं भी बनने का वहाँ भी उन्होंने बनाया है, इसलिए लोग बहुत उसको ज़्यादा चाह रहा है। तो युवा हैं और मतदान करेंगे इस बार। खूबसूरती की बात ये है कि इस बार चेयरमैन खुद जो है आप लोग चुनने जा रहे हैं, तो ऐसे में किसका माहौल बन रहा है? माहौल तो इधर संजीव खिलाड़ी का है। हाँ, इधर उसी को वोट पड़ेगा और भी जगह उसी का नाम चल रहा है। और हम तो उप चेयरमैन में शुभम कुमार उर्फ लल्ला शाह का सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, उप चेयरमैन में आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं जी, तो उनका भी है माहौल? हाँ, पूरा माहौल बना हुआ है। बहुत अच्छा, तो विकास होगा इस बार लग रहा है? हाँ, विकास होगा, युवा आ रहा है तो विकास होगा ही ना। देखिए, पूरा जो है खड़गपुर में युवा का इस बार जो है माहौल बन रहा है और युवा के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं लोग। कुछ और लोगों से मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। और आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए भाई साहब? बड़ा क्या काम है आपका? कुल्फी बेचते हैं। कुल्फी बेचते हैं, अच्छा, तो कैसा है कुल्फी का धंधा? ठीक ठाक चल रहा है? ठीक ही चल रहा है। ठीक चल रहा है, ठीक है चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। रोजगार है खड़गपुर में जी। तो 9 जून को जान रहे हैं ना क्या होने जा रहा है? जानने ना, चेयरमैन का चुनाव है और इस बार आप लोग खुद मतदान कर करके अपना चेयरमैन चुनिएगा, तो ऐसे में जो है किसका माहौल बन रहा है, कौन जीतने वाला, हवा किसका चल रहा है? संजीव खिलाड़ी का ही हवा चल रहा है भाई। ओ, कैसे व्यक्ति हैं वो? ठीक है, ठीक है। वो इनका भी वही राय है, और भी लोगों से मिलते हैं और भी लोगों से पूछते हैं। और आप कैसे हैं भाई साहब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह लगता है साग सब्जी खरीद करके लौट रहे होंगे। जा ही रहे हैं। अच्छा, जा ही रहे हैं। धूप इतना कर रहा है ना कि कहना बड़ा मुश्किल है। और गाइडलाइंस है सरकार की तरफ से 4 तारीख से 11 तारीख तक बच करके रहना है, ऐसे में 9 तारीख को मतदान भी करना है आप लोगों को। करेंगे। चेयरमैन का चुनाव होने जा रहा है, खूबसूरती है कि खुद इस बार चुनिएगा आप लोग। बहुत बढ़िया। कैसा रहेगा इस बार? बहुत बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा, तो नेता लोग तो बहुत खड़ा हो गए, 17 जो है प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में है, कैसे राय बनाइएगा, कौन जीत रहा है इसमें? देखिए, ये तो मतदान गुप्त मतदान है, इसको मन में रखना है। अगर किसी एक के बारे में बोलिएगा आप तो अगले को तकलीफ हो जाएगा। लोकल जो है चुनाव ही है, इसको अपने मन में रखना है। खैर, हम ये पूछ रहे हैं कि आप तो अपना गुप्त मतदान कीजिएगा, एजे जनरल हवा किसका चलता, नाम ज़्यादा चर्चा में, कौन? चारों तरफ सब चर्चे हैं, जैसे कि जो अपना गांव से वार कर रहे हैं अगल बगल का ले करके, वो बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, उधर से वो बोल रहे हैं हम जीत रहे हैं, तो संभव तो ऐसे नहीं है। जनता के बीच जो है जैसा लोग किए होंगे पहले, कुछ होगा उसका अंश रखा हुआ, उसी को जीत मिलेगा। और इस बार जो है नवयुवक को जो है आगे बढ़ेगा, वो ऐसा दिखाई पड़ रहा है, नवयुवक आगे बढ़ेगा। और जो है मिक्स राय भी आता है कहीं कहीं पे। कैसा माहौल है खड़गपुर का इस बार? खड़गपुर का माहौल ठीक ठाक है, ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। अच्छा, चेयरमैन में 17 प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में, किसका हवा बन रहा है ज़्यादा? अभी हवा के बारे में तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी हवा तो अपने आप सब, अभी सभी लोग बोलता है कि हम जीत रहे हैं, इसमें अभी कहना मुश्किल है कि कौन जीत रहा है प्रत्याशी। रही बात वार्ड के लिए, तो वार्ड के लिए 12 नंबर से बेबी देवी जो है अपने कन्हैया टोला से जो निकल रहा है। अच्छा, वो निकल रही है ढोलक छाप। अच्छा, चेयरमैन कौन निकल रहा है?
चेयरमैन अभी बंद है, अभी चेयरमैन का अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। चेयरमैन का निर्णय नहीं लिया गया है, जिधर का हवा चलेगा उधर हम लोग वोट बर्बाद नहीं करेंगे। वोट बर्बाद, जो अच्छा प्रत्याशी होगा, जो सच्चा होगा, उसको पूरे समाज मिलकर वोट देंगे। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर, तो जुड़िए अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।